नमस्कार, आज मैं दिखा रही हूँ अपने प्लांट से सूखे पत्ते और पीले पत्ते जो पड़ गए हैं उनकी छटाई। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ मैं गेंदे के प्लांट से, और इसमें काफ़ी सूखे पत्ते लगे हुए हैं और पीले भी हैं। इन सबको मैं निकाल लूँगी, और जितने भी इसकी पीली पड़ रही हैं पत्तियाँ सूखी हुई हैं, और जिस समय बारिश पड़ती है हमारे प्लांट में वजन काफ़ी हो जाता है इन्हीं की वजह से, और हमारा प्लांट झुक जाता है, तो मैं समय से इनको निकालती रहती हूँ ताकि प्लांट में वजन का ना हो और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और मैंने इस प्लांट की पत्तियां सारी निकाल ली हैं, सूखी हुई हैं, और प्लांट भी हेल्दी रहता है ऐसे। और इन पत्तों को हम इस्तेमाल करेंगे जैसे नया प्लांट लगाएंगे। और ये मेरा परिजात का प्लांट जिसको कि हार सिंगारी भी बोलते हैं, और इस समय इसमें फूल तो नहीं आ रखे, इसके भी पत्तों को मैं निकालूँगी जो जो पीले पड़ रहे। और ये भी काफ़ी कहते हैं इसकी मेडिसिन वैल्यू है पत्तियों की और फूलों की। और जितने भी सूखे पत्ते मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और सदाबहार में तो हर समय पीले पड़ते रहते हैं पत्ते, क्योंकि गर्मी का समय है, तो इनको भी मैं निकालती रहती हूँ। जितनी भी सूखी पत्तियाँ होती हैं इसकी पीली पड़ रही होती हैं पत्तियाँ, और जितनी भी पीली पत्तियाँ मैंने निकाल ली हैं सारी हैं। बेबी सन रोज इसमें भी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उन सबको मैं निकाल देती हूँ ताकि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहे और प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। और सारी पत्तियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं। वन रिंग जो इसमें भी सूखते रहते हैं पत्ते, और जैसे हम सूखा पत्ता निकाल देंगे ताकि उसमें नया पत्ता आ सके, वहाँ से नई कोंपल, जहाँ से भी हम पत्ते को तोड़ेंगे नई कोंपल आएगी, और ये पत्ते भी हमारे खाद के रूप में काम आएंगे गमले में जब भी हम कोई नया प्लांट लगाएंगे तो उसमें डालेंगे। और हमारे छत में भी वजन कम होगा, आदि हम पत्तियां डालकर मिट्टी डालकर और ये खाद बन जाएंगी, और खाद भी हमारी कम लगेगी। और एक गेंदे का प्लांट है मेरा, इसके भी पत्ते मैं निकालूंगी, काफ़ी पीले पड़े हुए हैं इसमें, ताकि इसमें नए पत्ते आएँ और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़े। गेंदा तो जहाँ पे गेंदे का प्लांट होता है तो मच्छर भी बहुत ही कम आते हैं, और हवा को भी काफ़ी शुद्ध करता है ये। इसकी काफ़ी पीली पड़ गई हैं पत्तियाँ, इसको मैं काट लूँगी, इसकी थोड़ी सी पीली सूख गई थी यहाँ से तो मैंने कटिंग कर दी है। और ये सदाबहार ऐसा है, जहाँ भी इसका बीज प्लांट लगा हो तो बीज झड़ते रहते हैं, दूसरे प्लांट अगर रखा हो तो अपने आप ही इसके बीज जनरेट हो जाते हैं। तो कुछ तो मैंने लगाए, कुछ अपने आप ही झड़ कर रुक गए, तो मैंने काजल वो रहने देती हूँ उनको। और जितने भी पत्ते हैं पीले पड़े हुए मैं निकालती रहती हूँ रोज। और पत्ते तो काफ़ी मतलब खाद में काफ़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और इनको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, गमले में सुखा कर भी डाल सकते हैं। और मनी प्लांट के पत्तों की तो मैं छटाई करती रहती हूँ, ये पीले जितने भी पीले पड़े हों जो भी सूखे हों, और जहाँ से हम पत्ता निकालेंगे वहाँ से नई कोंपल निकल आती है। अगर जो पीला पत्ता वहीं पे लगा हो तो कोंपल भी नहीं आती और प्लांट की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती, और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं जैसे हम पीला पत्ता निकाल दें और नई कोंपल भी आ जाते। काफ़ी पत्ते थे इसमें मैंने निकाल दिए, इसमें तो मैं रोज़ ही निकालती रहती हूँ। मैं प्लांटों को चेक करती रहती हूँ ताकि कोई सूखा पत्ता ना हो, कोई पीला पड़ रहा ना हो, जैसे पीला पड़ गया हो पत्ता मैं निकाल देती हूँ। और मैं एक इसको प्लास्टिक के कंटेनर में रख दूँगी, जो कि केनी थी एक मैंने काट कर रखी है, इसमें फिर काफ़ी पत्ते हो जाएंगे तो मैं इसमें कोई प्लांट लगा लूँगी। और ये मैंने कुछ लिफाफे में स्टोर कर रखे हुए थे पहले से, तोड़े हुए थे, मैं रोज़ ही तोड़ती रहती हूँ जैसे मेरे को पीला या सूखा हुआ पत्ता दिखे, तो इनको मैं वेस्ट नहीं जाने देती, फेंकती नहीं हूँ। और हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जो बहुत ही कम मिट्टी का इस्तेमाल होगा, और जो हम नया प्लांट लगाएंगे उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी सी होगी।